हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीज ऑफ वी। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है डार्क नेक के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है डार्क नेक की, तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ डार्क नेक को व्हाइटिंग करने में, जो आपको हेल्प करेगा। तो डार्क नेक होने के दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डर्ट जो होती है वो जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो डार्क नेक है वो आपकी स्किन टोन से मैच नहीं करती है। दूसरा रीजन सन टैन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो आप घबराइए ये मत, मैं जो आज आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ वो आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक जरूर अप्लाई करके देखनी, और जरूर आपकी डार्क नेक लाइटन होगी और कहीं हद तक हट भी जाएगी। एंड ऑल्सो आप ये सेम मेथड आप अपने डार्क एल्बोज पे या डार्क नीज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अपने एक रेमेडी के दो मेथड होंगे। सबसे पहला मेथड है कि आपको हमेशा लूफा से नहाना है। लूफा क्या करता है, लूफा बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लूफा बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है स्क्रबिंग का, जिससे आप जब भी आप बॉडी वॉश के साथ इसको स्क्रब करते हैं अपनी बॉडी पे, तो बहुत सारे डर्ट निकल ही जाते हैं, क्योंकि वो एज अ स्क्रब होता है और आप इसको डेली यूज कर रहे हैं, तो पूरा जो डर्ट अगर जमा भी है कहीं पे भी आपके डार्क एरियाज में, तो वो निकल जाता है। तो मैं आपको प्रिफर करूंगी कि आप लूफा यूज करें। तो चलिए हम अपनी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून ऑफ बेसन एंड अ पिंच ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन टू इट, एंड 1/2 स्पून ऑफ रोज वाटर। आप चाहें तो ब्रश लेके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने नेक पे, या फिर आप जो स्क्वीज लेमन है उससे आप इसको रब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे स्क्वीज लेमन के साथ इसको अप्लाई करूँगी। This pack help in reducing the pigmentation on your neck and keep the skin glowing. This pack also exfoliate your skin, absorbs impurities and tighten up the pores. Apply it for 15 to 20 minutes twice a week for better results. तो आप देख रहे हैं फर्क मेरी नेक में। आप इसको यूज़ करें ट्वाइस अ वीक। मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जो ज़रूर आप फॉलो करें। सबसे पहला टिप ये है, मेक श्योर यू वॉश योर नेक एवरी टाइम यू वॉश योर फेस। दूसरा टिप ये है, जैसे आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, जैसे आप उसको हाइड्रेटेड रखते हैं अपनी स्किन को, वैसे ही आप ये सनस्क्रीन लगाते हैं आप अपने चेहरे को, वैसे ही आपको। तीसरा टिप ये है, कोई भी ऑयल लेके, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल लेके आपको अपने नेक को मसाज करना है, वंस इन अ मंथ मसाज करना है, ताकि इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा रहता है, जिससे अच्छा ग्लो आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप जो मैं आपको देने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्ट्रीट बॉट चेन्स होती हैं या फिर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो जो मेटल्स होते हैं ऑर्नामेंट्स के, तो वो एलर्जिक हो सकते हैं आपकी नेक के लिए, और उससे क्या होता है, आपकी स्किन डार्कनिंग हो सकती है। तो आप इस अवॉइड करें, स्ट्रीट बॉट चेन्स हो या फिर ऑर्नामेंट्स हो, आप कम ही वेयर करें, अवॉइड करें, क्योंकि इससे स्किन डार्कनिंग हो सकती है, नेक डार्कनिंग हो सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। बाय।